योग नगरी ऋषिकेश। आए चाय समोसे। संख्या 1-4-3-0-4। हे दोस्तों, मैं सुखदेव, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज यहाँ हमारी जर्नी होने वाली है गाइस ऋषिकेश में, देख सकते हैं योग नगरी ऋषिकेश से बिलासपुर की ओर होने वाली है। और ये जो ट्रेन चलती है ना दोस्तों, प्रतिदिन चलती है। लेकिन ना गाइस, आज क्या हुआ ना, ये जो ट्रेन है, जब मैं बिलासपुर से हरिद्वार भी आ रहा था ना, तो ये ट्रेन ना काफ़ी ज़्यादा लेट थी, तो आज भी लेट है गाइस। इसका जो योग नगरी ऋषिकेश में आने का टाइम है ना, 5:30 के आसपास है। लेकिन अभी ये जो ट्रेन है, 1 घंटा आसपास लेट है। अभी 6:30 पर लेकर चलने वाली है हमको बिलासपुर की तरफ। गाइस रेट की बात करें ना, तो यहाँ से जो है ऋषिकेश से बिलासपुर का लगा है 550 रुपये के आसपास, 550 रुपये लगी हुई है। और जो रफ्तार होती है ना उसकी, कितना 18 घंटे का जो टाइम है, लेकिन वहाँ जाते पहुँचाते पहुँचाते रहेगा गाइस, काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाले। तो चलिए देखते हैं आज की जर्नी ना कैसा रहता है। आपको ना यार ऋषिकेश से ना पूरा बिलासपुर तक की ट्रेन जर्नी दिखाने का प्रयास करूंगा, फिर देखते हैं कि कितना टाइम लेता है, कितना समय पहुंचता है, पूरा अपडेट करेंगे। क्योंकि जब पिछले बार आ रहे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट करी थी, मतलब यहाँ पे 8 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे ना वहाँ पहुँचाते पहुँचाते गाइस बहुत समय लगा दिया, मतलब 10 से 11 बजे के आसपास ना पहुँचाया था। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल तो गाइस ऋषिकेश में ना 2 रेलवे स्टेशन है, पहले एक पुराना रेलवे स्टेशन, दूसरा है नया रेलवे स्टेशन। ये जो भी देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, नया है, तो पूरा हर तरफ ना नीट एंड क्लीन, एकदम वेल मेंटेन है ना, ये कह सकते हैं। बाकी जो पुराना वाला है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। तो ये आपकी जर्नी ना दूर दराज में, जहाँ दूर ट्रेवल करना है, तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज की जर्नी को शुरू करते हैं ऋषिकेश। गाइस अगर आपको टिकट कटाना है ना, तो देख रहे हैं इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन जो टिकट घर है ना इधर नहीं है। आप लोग को टिकट घर इधर पे मिलेगी, वहाँ पे टिकट करिएगा। उसके बाद ना अगर आपका रिजर्वेशन है तो अंदर में वेट कर सकते हैं, अगर आपका टिकट नहीं है ना तो बाहर में वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना टिकट के अंदर में जाएंगे ना, तो चालान कट जाएगा ना। लोगों ने टिकट कट कर लिया है, 350 के आसपास मेरा जो है आज का किराया लगा है, यहाँ से ऋषिकेश से लेके ना अपना बिलासपुर तक का। तो देखते हैं भाई टाइम ना आज कितना बजे पहुँचाता है, कितना समय लगती है, वो पूरा अपडेट करेंगे। क्योंकि जो ट्रेन ना ऑलरेडी 1 घंटा लेट है। रेलवे स्टेशन है गाइस, एकदम नया है ना, तो एकदम मस्त सा लग रहा है एकदम, मतलब अंदर में भी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ना, रात में ज़्यादा ट्रेन नहीं चलती भाई, है ना, क्योंकि नया नया है, उसी वजह से होगा। तो अभी हम लोग का जो ना कलिंगा एक्सप्रेस है, पूरी की योग नगरी ऋषिकेश कलिंगा एक्सप्रेस है, उससे चलेंगे। और ये जो है ना दोस्तों, ऋषिकेश से ना एक ही ट्रेन है जो बिलासपुर की तरफ जाता है, इसके सिवा कोई ट्रेन नहीं है। ये छूट गई ना तो फिर दूसरा ट्रेन आपको मिलेगी नहीं, यानी दूसरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ठहरे पूरे अलग अलग जगह पे जाने वाले यात्री, सामान चेक होगी यहाँ पे, पता नहीं कुछ तंबू गाड़ दिए हैं, बाकी अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो ही जा रही है। रात का स्टे था भैया, हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया, और यहाँ पे थोड़ा सा पंखा ऊपर था, ठंड था भाई रात में एकदम, टावर तोड़ ठंड था। मेरा बैग यहाँ पे रखे, बाकी छत्तीसगढ़िया दोस्त लोग हैं जो यहाँ पे मिले, है ना। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ से अकेला आया था, यहाँ पे भाई लोग मिले, भाई अपने छत्तीसगढ़िया फैमिली है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हर जगह मिल जाते हैं ना। देखो 4 मेंबर मिले, मैं जब यहाँ पे आया था तो ये लोग है ना शाम को, मतलब रात को पहुँचे, उससे पहले मैं आ गया था और यहीं पर पड़ा था। बाकी चार जो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कर लिए, अभी हम लोग का जो ट्रेन है ना 6:30 के आसपास है, तो हम लोग सब भाई भाई एक साथ सफर करने वाले हैं, क्या बोलते हो, है नहीं। सबले बड़ी 5:53 हुई है, और जो ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, तो हम सारे दोस्त ना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जा रहे हैं, ताकि पता चल रहा है कभी कभी चेंज भी हो जाता है ना, इसलिए पहले से पहुंचना उचित रहेगा। तो अपन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाएंगे, और जिधर मुंडी लगती है ना इंजन, उधर पे बैठेंगे, क्योंकि पीछे ना गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, और जनरल का तो जानते ही हो, जनरल बोगी में सफ़र करना ना, पिछले एपिसोड देखा होगा किस तरीके से आया था। चलो अपने छत्तीसगढ़िया भाई लोग आ गए हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। योग नगरी ऋषिकेश, योग यह सुबह सुबह की शुरुआत 6:30 स्टार्ट होगी, देखते हैं। तो ऑन द टाइम रहना चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा सफ़र, लोकल टाइम में रुकना चाहिए। वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइस, अभी देखो इधर से गुजर रहे हम लोग, पहली रेलवे स्टेशन है जिसमें एकदम फ्लाइट व्लाइट में जा रहे हैं, ऐसा टाइप का सीन है इसका, ऐसा लग रहा ना एकदम हॉलीवुड वाला सीन है भाई साहब। लग रहा है हॉस्पिटल में है,
लेकिन रेलवे स्टेशन पहली बार देख रहा हूँ भाई, लिफ्ट में ना ऊपर नीचे सही जगह पे। हरियाली बहुत बढ़िया है यार इधर, मस्त ठंडा ठंडा है, फीलिंग वेल नेक्स्ट लेवल, एकदम 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 राक्षिक सा सीन है ये पास। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है ना गाइस, यहाँ पे पानी की सुविधा ये है, साथ साथ ना इस रेलवे स्टेशन में खास बात है, कोई रेलवे स्टेशन में नहीं देखा, इस रेलवे स्टेशन में ना बाहर की तरफ टॉयलेट रूम है देखो यहाँ पे, तो बाहर घूमने या ब्रश व्रश करो आराम से, पास बैठो सो जाओ कैंपिंग करो सब कर सकते हो, एकदम एकदम खुला जगह है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन से बाहर में है, नहीं तो रेलवे स्टेशन के अंदर में बने रहते। ये अपनी पूरी योग नगरी ऋषिकेश 18477 नंबर 3 से छूट रही है बिलासपुर की ओर, 6:17 पे आई है ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। बोगी आगे 2 बोगी पीछे, ध्यान रखिएगा कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, बीच में नहीं रहने का नहीं तो नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन में घुस जाओ। देखे ना ऋषिकेश का बोर्ड लगा है ये रे। बैठने के लिए मारा मारे, अरे सीट देखो ना, सीट देखो जर्जर हालात में है सीट। 6:36 को निकल गई है ट्रेन यहाँ से ऋषिकेश से बिलासपुर की ओर हरिद्वार होते हुए निकलेगी। स्टॉपेज वीरभद्र रेलवे स्टेशन। लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लास्टिंग वाला रहता नहीं उसी। करेक्ट 8 पहुंची है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, और मुझे आते समय छोड़ी थी रेलवे स्टेशन जब छत्तीसगढ़ से आ रहा था तो 10:30 के आसपास। A few moments later 8:07 पे यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है, ये रहे हरिद्वार। समुद्र तल से 1400 मीटर है ऊपर। ट्रेन का करो देखना पसंद है ना उनके लिए है ये। रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंची है, गरम समोसे, चाय 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 समोसे, समोसे चाय 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 चाय। कितना है? 20 का दो, 20 मिर्ची बैठो आराम से, गरम समोसे। बीस का दो टोपा लगा कर दोबारा सुबह 3 में बता दो। अच्छा ही बंद आता हूँ, 20 का दो मिर्ची है ना, 5 दे दो। रुड़की से निकल गई है ट्रेन, 168 मीटर ऊपर है समुद्र तल से, पश्चिम दिशा में हम लोग। मेरठ पहुंची हुई है अभी ट्रेन, मेरठ छावनी।
बाद रेलवे स्टेशन 12:37 पे पहुंची है। ट्रेन में 1.5 घंटा लेट चल रहा है ना। अभी जो देखा आपने ब्रिज वो यमुना ब्रिज थी जो बोर्ड बहुत पीछे थी। रायपुर पहुंच चुका हूं मैं, वो है रायपुर रेलवे स्टेशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।